तो चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें जो उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम आवास पर यह जरूरी बैठक बीजेपी विधायक दल की लगातार जारी है। 4 बजे का वफ़क था और 4 बजे के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ौदा उपचुनाव पर चर्चा की जा रही है और साथ ही साथ बीजेपी की आगे की रणनीति क्या कुछ हो उसको लेकर बातचीत की जा रही है। तो वो तस्वीरें बीजेपी विधायक दल की बैठक की, तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। विधायक दल की बैठक है, लगभग सभी विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। लगातार हम आपको इस बैठक की पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। तो बीजेपी की रणनीति आगे की क्या कुछ हो, कैसे एक रोड मैप तैयार किया जाए, अब बीजेपी को जिस रोड मैप पर चलना है इस रोड मैप को लेकर यह बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है बीजेपी के विधायक दल की। तो इसी बीच कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की भी बीजेपी बैठक जो है विधायक दल की वो जारी है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अहम बैठक कांग्रेस की, पूर्व सीएम हुड्डा के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक लगातार जारी है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर जुड़े हुए हैं जो हमें लगातार पल पल की हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। पवन, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपडेट्स दें इन दोनों बैठकों को लेकर, अपडेट्स ताजा क्या कुछ हैं। बिल्कुल, बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो आज चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में हो रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। इस वक्त जो है मैं बीजेपी विधायक दल की जहां बैठक चल रही है वहां उस बाहर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहां पर जो है वो ये बैंक्वेट हॉल जो बना हुआ है हरियाणा निवास का, इसमें जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक इस वक्त जारी है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में ये विधायक दल की बैठक हो रही है। लेकिन इसके साथ ही बैठक में तमाम मंत्री और विधायक पहुंचे हैं। इसके अलावा बीजेपी के हरियाणा के नव नियुक्त जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो बैठक में पहुंचे हैं और सभी जो विधायक हैं उन्होंने उनका ताली बजाकर स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। और इसके बाद बैठक जो है वो औपचारिक तौर पर शुरू हुई है। बैठक में जो है वो तमाम जो विधायक हैं वो पहुँचे, साथ ही साथ बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष बराला वो भी बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री जो रतनलाल कटारिया हैं वो बैठक में पहुँचे हैं, साथ ही कुरुक्षेत्र के जो सांसद हैं नायब सैनी वो भी बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो है इस बैठक में प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल जो हैं वो मौजूद हैं, तमाम जो विधायक मंत्री हैं वो बैठक में शामिल हैं। बैठक में जो है वो बड़ौदा के उपचुनाव के ऊपर जो है वो उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, किस तरीके से क्या जो है वो किस नज़र से वो बड़ौदा में पार्टी की मजबूती को देखते हैं, और साथ ही जो है वो अभी तक गठबंधन की सरकार का जो कामकाज है उसका लोगों में किस तरीके का फीडबैक है, विधायकों के अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर क्या क्या जो है वो काम जारी है, किस तरह से काम आगे बढ़ रहे हैं, और किस तरह के जो काम है जिनको प्रमुखता के तौर पर सभी विधानसभा में शुरू किया जा सकता है, ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में हो रही है। और ये बैठक जो है वो आज जो बुलाई गई है इसमें नव नियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़, उनका स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया है। तमाम जो विधायक हैं उन्होंने उनका ताली बजाकर उनको बधाई देकर शुभकामनाएं देकर यहाँ पे स्वागत किया है। और उसके बाद बैठक में तमाम जो दूसरे राजनीतिक मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा औपचारिक तौर पे शुरू हुई है। अच्छा पवन, कांग्रेस विधायक दल की बैठक उसके बारे में मैं चाहूंगा आप अपडेट दें। जी बिल्कुल, कांग्रेस विधायक दल की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा
की अध्यक्षता में हो रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो चंडीगढ़ आवास है वहीं पर कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई है उसमें जो कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई हैं या फिर किरण चौधरी हैं ये नज़र नहीं आई है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल यही सोमवार को जानकारी दी थी कि तमाम विधायक पहुंचे ऐसा ज़रूरी नहीं है, उपलब्धता जो रहेगी उसके आधार पर जो है वो जो विधायक हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जानकारी दी थी कि बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर रणनीति जो है वो कांग्रेस बनाएगी, उसी को लेकर जो है वो कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक है। तो आज जो अब इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जो कांग्रेस के विधायक दल की बैठक चल रही है उस बैठक में किस तरीके से बड़ौदा में कांग्रेस को किस रणनीति के साथ उतरना है, सरकार को जो गठबंधन सरकार है उसको किस मुद्दे पर घेरना है, किस तरीके से अपनी रणनीति स्ट्रेटजी बनानी है, ये जो चर्चा है ये कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में हो रही है। और साथ ही किन किन नेताओं की बड़ौदा में किस किस तरीके की जिम्मेदारी रहने वाली है, आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं विधायक हैं वो किस तरह से अपनी भूमिका बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर निभाएं, कैसे बड़ौदा को जो है वो लोगों तक अब कांग्रेस के नेताओं को पहुंचना है, एक एक गांव में बूथ पर जो है वो कैसे कांग्रेस के लोगों को पहुंचकर अपनी पार्टी के लिए वहां पर प्रचार करना है, किस तरह से काम करना है, ये तैयारियां जो है वो आज की बैठक में जो है वो की जा रही है। क्योंकि अभी भारतीय चुनाव आयोग ने तारीख तय नहीं की है, लिहाजा कैंडिडेट के ऊपर सुझाव ज़रूर दिए जा सकते हैं लेकिन कैंडिडेट के ऊपर कोई फाइनल किसी तरीके का डिसीजन हो जाएगा या निष्कर्ष पे पहुँच जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक मोटे तौर पर सुझाव लिए जा सकते हैं कि बड़ौदा जीतने के लिए क्या पार्टी को रणनीति अपनानी चाहिए। जो बड़ौदा के 2019 में विधायक बनकर आए श्री कृष्ण हुड्डा जिनका निधन हो चुका है, क्या उनके परिवार में टिकट को देने से पार्टी को फायदा होगा या फिर उनके परिवार से बाहर किसी दूसरे नेता को पार्टी का टिकट देना चाहिए उपचुनाव का, इन तमाम मुद्दों के ऊपर सुझाव और रणनीति तमाम चीजें हैं जिसको लेकर यह बैठक की जा रही है। पवन, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।